नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो पे। दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो पे हम आपके लिए कुछ 10 ऐसे फ्री बैटल रॉयल गेम लेके आए जो कि आपके लो एंड पीसी में आराम से चल जाएंगे। एंड दोस्तों एक बात और दोस्तों, इन सभी बैटल को कोई भी गेम डाउनलोड करना है तो लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड एक बात और दोस्तों, ये सभी गेम फ्री टू प्ले है, आप आराम से इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं। दोस्तों कि अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप या हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो भाई कर क्या रहो, नीचे लिंक है, जाके फटाफट से फॉलो कर लो। देखो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला गेम निकल के आता है वो हमारा लाइन ऑफ साइट। एंड दोस्तों लाइन ऑफ साइट का क्या कहना, मेरे हिसाब से अपने लाइन ऑफ साइट को कभी ना कभी अपने लाइफ में एक बार जरूर खेला होगा, और अगर नहीं खेला है तो भाई तुम कर क्या रहो, इतना अच्छा FPS गेम है, मतलब आप को बहुत पसंद आने वाला है। दोस्तों जो इसका ग्राफिक्स क्वालिटी क्या कहना। सो पहले इस गेम के बारे में थोड़ा मैं डिस्क्राइब कर देना चाहता हूँ। दोस्तों लाइन ऑफ साइट जो गेम है आपका, वो एक ऑनलाइन फ्री टू प्ले FPS गेम है जिसे डेवलप किया गया स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टूडियो के द्वारा। जितना भी आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डेवलपर ने अपने पॉकेट से दिया है, किसी से लिया नहीं है, तो भाई अप्रिशिएट करो एंड जरूर से इसे एक बार प्ले करो। अलग अलग टाइप के वेपन्स मिलते हैं, अलग अलग टाइप के कैरेक्टर्स मिलते हैं। एंड दोस्तों इसमें बेसिकली आप बोल सकते हो एक FPS शूटिंग गेम है जिसमें आप अपने फ्रेंड्स से मल्टीप्लेयर भी खेल सकते हो। एंड दोस्तों और एक बात दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आप एक मिलिट्री फैन है तो इसमें आपको पूरा आपको मिलिट्री क्लासिक मिलिट्री स्टाइल का आपको इसमें पूरा एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। एंड इस गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो भी कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत ही आराम से आप इसे खेल सकते हो। ऑलमोस्ट 40 टाइप्स के वेपन इसमें आपको मिल जाते हैं। एंड दोस्तों इसमें अलग अलग टाइप के आपको इसमें मैप्स मिल जाते हैं। सो बात करें इस गेम के सिस्टम रिक्वायरमेंट की, एंड उससे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों इस गेम को रिलीज एंड डेवलप किसने किया है। दोस्तों इस गेम को रिलीज़ किया गया था 31 जनवरी 2017 को, एंड इस गेम के जो डेवलपर एंड पब्लिशर है वो है स्पॉट एंटरटेनमेंट। सो वेल गाइस, इस गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो भी मैं यहाँ पर आपको रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात को तो मेरी 2GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करो तो मिनिमम 512 में नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करो, डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करो तो मिनिमम 9GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए। ये गेम स्टीम में ऑलमोस्ट फ्री है, कोई एक रुपये आपको देने नहीं है, और अगर आप इतना डाउनलोड नहीं कर सकते तो मेरे वेबसाइट पर कूद फान के जाओ, वहां से आप पार्ट्स में इसे डाउनलोड कर सकते हो। सो वेल गाइस, यही था हमारा सबसे पहला गेम। बढ़ते हैं हमारे सेकंड गेम के ऊपर। हमारा सेकंड नंबर वाला गेम है, उसका नाम है सर्वाइवल फ्रेंजी। एंड दोस्तों ये एक एक्शन सर्वाइवल गेम है। जैसे कि इस गेम में आपको बेसिकली करना क्या रहता है, सिंपली आप एक आइलैंड में लैंड करते हो, टोटल 20 प्लेट्स इसमें आपको मिलते हैं। एंड यहाँ पर आपको गन वन कुछ नहीं लूटपाट करना रहता है, यहाँ पर आपको जो मिले आपको उससे मारपीट करना है। मतलब इनफैक्ट यहाँ पर आपको जो भी ग्लास नाइफ जो भी एक आप घर पे उतरते हो तो जो भी घर में सामान रहते हैं वहाँ से आपको मारपीट करना रहता है। जो आपके ओपोनेंट्स टीम रहते हैं उसे आपको मारना रहता है। एंड यहाँ पर गन आपको मिलता है बट बहुत ही मुश्किल से मिलता है। एंड एट लास्ट जब सब मर जाएंगे तो आपको एक हेलीकॉप्टर आता है, उसमें बैठ के आप विन मतलब उसमें बैठ के आपको यहाँ से निकल जाना पड़ता है एंड आप इस गेम को विन कर लेते हैं। तो बहुत ही फनी टाइप का गेम है दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग गेम है। इसका जो ग्राफिक्स है दोस्तों वो भी बहुत ही रियलिस्टिक है। मतलब इस गेम को जो रिलीज़ किया गया था 10 जनवरी 2020 को, एंड इस गेम को डेवलप एंड पब्लिश किया गया Zepato CEO के द्वारा। एंड दोस्तों गेम सच बताऊँ तो बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ पर आपको सर्वाइव करना रहता है, यहाँ पर आपको पावरफुल वेपन्स मिलते हैं, ग्राफिक्स दोस्तों वो भी बहुत ही अच्छा है, रियलिस्टिक यहाँ पे वो ग्राफिक्स मिल जाता है। एंड इस गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है दोस्तों वो भी कुछ ज़्यादा नहीं। रैम की बात करो तो मिनिमम 2GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करो तो मिनिमम 512 में नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करो तो मिनिमम आपके पास i3 का प्रोसेसर होना चाहिए आपके PC या लैपटॉप पे। और स्टोरेज की बात करो तो मिनिमम दोस्तों 4GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। ये भी गेम फ्री है दोस्तों, आप स्टीम से आराम से इसे डाउनलोड कर सकते हो। इसका लिंक भी आपको मैं अपने वेबसाइट पे दे दूंगा, वहां से आप इसे जाके डाउनलोड कर सकते हो। सो वेल गाइस, बढ़ते हमारे थर्ड गेम के ऊपर। थर्ड नंबर वाला गेम है, उसका नाम है काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंस। एंड दोस्तों इस गेम से आप बखूबी वाकिफ होंगे। दोस्तों काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंस एक मल्टीप्लेयर फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम है, वीडियो गेम है, जिसे डेवलप किया गया था वेवेस एंड हिडन पार्ट एंटरटेनमेंट के द्वारा। एंड दोस्तों एक बात और बता दूं कि एक फोर्थ गेम है काउंटर स्ट्राइक सीरीज का। काउंटर स्ट्राइक सीरीज अभी तक आपने नहीं खेला है तो प्लीज़ आप मेरे वेबसाइट पर विजिट करें, वहां पर आपको ऑलमोस्ट सभी सीरीज को वहां पर आपको मिल जाएंगे। एंड ये सीरीज जो है दोस्तों ये रिलीज़ किया गया था विंडोज मैक एक्सबॉक्स एंड प्ले स्टेशन में। एंड दोस्तों इसे रिलीज किया गया था 21 अगस्त 2012 को। एंड ये गेम आपका टोटली मल्टीप्लेयर बेस है, आप अपने फ्रेंड्स साथ खेल सकते हो। एंड इस गेम का जो दोस्तों मेरे को सबसे अच्छा बात ये लगता है कि अगर आपके पास एक लो एंड पीसी है और एक अच्छा बैटल रॉयल गेम खेलना चाहते हैं अपने लो एंड पीसी पे तो CS:GO आपके लिए ही बना है। एंड दोस्तों इसका जो ग्राफिक्स क्वालिटी वो भी आपको निराश नहीं करेगा, आराम से आप इसे इंजॉय कर सकते हैं बेहतर ग्राफिक्स क्वालिटी के साथ, वो यहाँ पर मैं रिवील कर देना चाहता हूँ। दोस्तों रैम की बात करो तो मिनिमम 2GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करो तो मिनिमम 512 भी नीड है। एंड दोस्तों
प्रोसेसर की बात करो तो मिनिमम आपके पास इंटेल का कोर टू ड्यूओ होना चाहिए इस गेम को रन करने के लिए। स्पेस की बात करो तो मिनिमम 15 GB के आसपास स्पेस खाली रखना भाई इस गेम को खेलने के लिए। ये आपका टोटली फ्री है, आप आराम से इसे स्टीम में जाके डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप एक साथ 15 GB डाउनलोड नहीं कर सकते तो मेरे वेबसाइट पे खुद फान के जाओ, वहां पर आपको इस गेम के पार्ट्स मिल जाएंगे। सो वेल गाइस, बढ़ते हैं हमारे फोर्थ गेम के ऊपर। सो वेल गाइस, जो हमारा फोर्थ नंबर वाला गेम है उसका नाम है PUBG PC Lite। अब कुछ लोग बोलने वाले ये हैं कि भाई ये 2 GB रैम पे थोड़ी ना चलेगा। सो वेल गाइस, मैं मानता हूँ कि 2 GB रैम पे नहीं चलेगा, बट आपके पास अच्छा खासा प्रोसेसर है तो आप इसे 2 GB रैम में खेल सकते हो। और अभी तक आपने वो वीडियो को नहीं देखा कि कैसे 2 GB रैम पे हम PUBG PC Lite को प्ले कर सकते हो, तो आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगा, उसे जाके चेकआउट करना, आप आराम से इसे प्ले कर सकते हैं लो सेटिंग्स में। सो वेल गाइस, PUBG PC Lite के बारे में हमारे बात कर लेना चाहता हूँ। सो PUBG PC Lite एक बहुत ही अच्छा बैटल रॉयल गेम है। एक समय में इसका बहुत ही ज़्यादा हाइप था, ऐसा नहीं कि अभी भी है, बट इंडिया में इसका हाइप जो है अभी बहुत ही कम हो चुका है। मेरा इस गेम इस सीरीज पे लेने का ये मतलब है कि यार आप लोग याद रखे हो कि नहीं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप खेलते हो कि नहीं खेलते हो। तो वेल गाइस, इस गेम के बारे में थोड़ा मैं बात कर लेना चाहता हूँ। PUBG PC Lite एक ऑनलाइन मल्टीप्लेयर बैटल रॉयल गेम है जिसे पब्लिश एंड डेवलप किया गया है PUBG कॉरपोरेशन के द्वारा। एंड दोस्तों, ये सच बताऊँ तो गेम अपने आप पे बहुत ही अच्छा है। इस गेम में आपको बहुत सारे मैप्स मिल जाते हैं, विकेंडी, सैनॉक, मीएमआर, बहुत सारे आपको इसमें मैप मिल जाते हैं। इनफैक्ट आप इसमें आप TDM भी खेल सकते हो, फ्री टू ऑल एंड 4v1। आप इसमें दो मैप, दो TDM आर्केड मोड मिल जाते हैं। एंड यहाँ पर आप सिंगल, डुओ एंड सोलो भी खेल सकते हो अपने हिसाब से। एंड इस गेम की सबसे अच्छी बात ये है दोस्तों कि ये गेम आपका लो एंड PC पे आराम से चल जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। मैं फिर बता रहा हूँ, अभी तक आपने उस सेटिंग को नहीं देखा है तो भाई आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, उसे जाके चेकआउट कर लेना। इस गेम की मैं सिस्टम रिक्वायरमेंट थोड़ा बात कर लेना चाहता हूँ। दोस्तों, रैम की बात को तो मिनिमम 3 GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात को तो मिनिमम 512 नीड है। एंड दोस्तों, प्रोसेसर की बात करते हो, यहाँ पर आपके पास कोर i3 का प्रोसेसर होना चाहिए। आप डुअल कोर में भी खेल सकते हैं, बट कोर i3 में आप मीडियम सेटिंग में खेल सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पर आपके पास मिनिमम कोर i3 होना चाहिए, आप अच्छे हाई सेटिंग में खेल सकते हो उस गेम में, ठीक है? और स्पेस की बात करो तो मिनिमम दोस्तों आपके पास 5 GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। अगर आप इतना सिस्टम रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रखते हो तो इस गेम को खेलने के लिए आप रेडी हो। टोटल इसमें 100 प्लेयर्स आते हैं एंड जाहिर सी बात है आप जो लास्ट बनता है वो विनर चिकन डिनर होता है। तो बेसिकली अगर इस गेम को भी आपको पार्ट्स में डाउनलोड करना है तो मेरे वेबसाइट पे खुद फान के जाओ, वहाँ से आप इस गेम को जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इस गेम का जो ग्राफिक क्वालिटी है उसका क्या कहना, आप इसे लो सेटिंग में खेलो या हाई सेटिंग में खेलो, इसका ग्राफिक क्वालिटी आपको निराश नहीं करेगा। सो बस बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ गेम के ऊपर। मतलब फिफ्थ गेम है उसका नाम है राइड आउट हीरोज। एंड दोस्तों, ये भी एक अपने आप पे एक बहुत ही ऑसम गेम है। अगर गेम को आपने अभी तक नहीं खेला है तो भाई कर क्या रहे हो, फटाफट से इस गेम को डाउनलोड करो। एंड मैं बता दूं ये गेम भी आपका फ्री टू प्ले गेम है। सो वेल गाइस, इस गेम के बारे में थोड़ा मैं डिस्क्राइब कर देना चाहता हूँ। इस गेम को रिलीज किया गया था 13 मई 2019 को एंड इसे डेवलप किया गया है काफ़ी लंबे डेवलपर से। तो सिंपली मैं बता दूँ, इसे डेवलप किया गया है नेट ईज गेम्स के द्वारा एंड इसे पब्लिश भी किया गया ईज गेम के द्वारा। एंड ये आपके एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, iOS प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, इनफैक्ट आप इसे PC में भी खेल सकते हो। और एक दोस्तों मैं बता दूं, एक आपका बैटल रॉयल गेम है। टोटल आपको यहाँ पर 100 प्लेयर्स मिलते हैं, सोलो स्क्वाड एंड डुओ भी खेल सकते हो। एंड यहाँ पर आपको बहुत सारे मैप्स भी मिल जाते हैं, मतलब अच्छे वाले मैप्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको टीम डेथ मैच भी मिल जाता है, तो TDM का भी यहाँ पर ऑप्शन है। एंड जैसे कि देख सकते हैं जो मैप है वो काफ़ी बड़ा है, आप जैसे कि देख सकते हैं इसका जो मैप है वो काफ़ी बड़ा यहाँ पर अपने को देखने को मिल जाता है। और इस गेम की मेरे को सबसे फनी बात ये लगी दोस्तों, जब भी आप कोई एनिमी को मारते हो या शूट करते हो, जब वो नॉकआउट हो जाता है तो एक स्मॉल ड्रैगन में वो कन्वर्ट हो जाता है। देन आफ्टर फिर से आपको उस स्मॉल ड्रैगन को मारना रहता है, जो हमारा एनिमी रहता है उसे फिर से हमें एक बार मारना रहता है स्मॉल ड्रैगन को। एंड यार, एक तरफ का बहुत ही अमेजिंग गेम है एंड बहुत ही फनी गेम है। इसमें आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलते हैं एंड ऑलमोस्ट बहुत सारे अपने आप पे एबिलिटी वाले गन्स मिल जाते हैं। एंड दोस्तों, ये गेम का जो ग्राफिक क्वालिटी है आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगा। आपने अगर फोर्टनाइट खेला होगा तो टोटली फोर्टनाइट जैसा आपको यहाँ पर ग्राफिक्स मिल जाता है। और दोस्तों, ये गेम जो है आपका वो आपके लो एंड PC पे आराम से चल जाएगा। इस गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो भी कुछ ज़्यादा नहीं। आपके पास रैम की बात करो तो मिनिमम 3 GB होना चाहिए, अगर ग्राफिक कार्ड्स की बात करो तो 512 नीड है। एंड दोस्तों, प्रोसेसर की बात करते हो, यहाँ पर आपके पास डुअल कोर का होना चाहिए इस गेम को रन करने के लिए। इसकी बात को तो मिनिमम 4 GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए इस गेम को इंस्टॉल करने के लिए। और इस गेम को भी अगर आपको डाउनलोड करना है तो भाई मेरे वेबसाइट पे कूद फान के जाओ, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ये भी फ्री टू प्ले गेम है, आपको 1 रुपये भी नहीं देने हैं।
सो पहले गाइस बढ़ते हैं हमारे 6 नंबर वाले गेम के ऊपर। 6 नंबर वाला गेम है, उसका नाम है नाइव्स आउट। एंड दोस्तों नाइव्स आउट भी एक बहुत ही अच्छा बैटल रॉयल गेम है। ये गेम भी आपका टोटली पबजी पीसी से आप इसे कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि इसका जो ग्राफिक्स एंड इसका जो मैप है वो पबजी पीसी से हूबहू ऑलमोस्ट आपका मिलता है। जो लोग पबजी पीसी अभी तक खेल नहीं पाए अपने लो एंड पीसी पे, तो ये गेम आपको पूरा एक्सपीरियंस देने वाला है पबजी पीसी का। सो वेल गाइस नाइव्स आउट के बारे में थोड़ा मैं डिस्क्राइब कर देना चाहता हूं। दोस्तों नाइव्स आउट को रिलीज किया गया था 14 नवंबर 2017 को, एंड इसे डेवलप किया गया नेट ईस्ट के द्वारा, एंड इसे पब्लिश भी किया गया नेट ईस्ट के द्वारा। एंड ये ऑलमोस्ट आपके सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, प्लेस्टेशन 4, iOS, पीसी के लिए भी उपलब्ध है, बट एंड्रॉयड के लिए अभी तक नहीं आया। अब मेरे को पता नहीं, बट यहाँ पर आपको मेरे को इतना ही इन्फॉर्मेशन मिला है। एंड इसमें आपको बैटल रॉयल मिलता है, एंड बेसिकली मैं बता दूँ एक बैटल रॉयल गेम है जिसमें आपको थर्ड पर्सन शूटिंग एक्सपीरियंस मिलता है। टोटल 100 से अबव प्लेयर आते हैं, मतलब यार कभी कभी तो 102 हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पर मैं मैप्स की बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पर आपको क्लासिक मोड में बहुत सारे मैप्स मिल जाते हैं। एंड इस गेम में भी आप सोलो, डुओ एंड स्क्वाड के साथ खेल सकते हैं। यहाँ पर फायर टीम का क्या ऑप्शन है मेरे को नहीं पता, तो ये ऑलमोस्ट बहुत ही अच्छा गेम है। एंड जैसे कि देख सकते हैं इसका जो लॉबी रहता है दोस्तों, मतलब एक आइसलैंड में आप उतरते हो, स्पॉम होते हो, एंड यहाँ पर आपको कॉल ऑफ ड्यूटी का भी एक्सपीरियंस मिल जाता है, जैसे कि हम हेलीकॉप्टर से जंप करते हैं। एंड दोस्तों इस गेम का जो ग्राफिक क्वालिटी है वो भी बहुत ही ऑसम है। एंड दोस्तों सबसे बड़ी बात कि इस गेम का जो मैप है वो काफ़ी बड़ा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आपको व्हीकल्स मिलते हैं, जैसे कि आपने को पबजी में जो बगी मिलता था सिंपली, आप जैसे देख सकते हैं उस टाइप का यहाँ पर आपको व्हीकल्स देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर आपको जीप्स मिलते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के आपको यहाँ पर आपको व्हीकल्स मिल जाते हैं। एंड दोस्तों इसमें आपको अलग अलग टाइप के वेपन्स भी मिल जाते हैं। इस सॉफ्ट का जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ। रैम की बात करो तो मिनिमम 2GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करो तो मिनिमम 512 MB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करो तो मिनिमम आपके पास इंटेल पेंटम डी का प्रोसेसर होना चाहिए आपके पीसी या लैपटॉप पे। स्पेस की बात करो तो मिनिमम 8GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए आपके पीसी या लैपटॉप पे इस गेम को खेलने के लिए। और ये भी फ्री गेम है दोस्तों, आपको कुछ भी एक रुपया देना नहीं है। तो इस गेम को अगर आप एक साथ डाउनलोड कर सकते देन आप डाउनलोड कर सकते, बट अगर पार्ट्स में डाउनलोड करना है तो कूद फांद के मेरे वेबसाइट पे जाओ, वहां पर आपको इसका पार्ट्स मिल जाएगा। सो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे 7th नंबर वाले गेम के ऊपर। 7th नंबर वाला गेम है, उसका नाम है साइबर हंटर। एंड दोस्तों साइबर हंटर एक ओपन वर्ल्ड बैटल रॉयल गेम है जिसमें कि आपको टोटल 100 प्लेयर्स मिलते हैं। एंड ये भी आपका ऑलमोस्ट बोल सकते हैं हमारे सीरीज का पार्ट है। इसमें भी आपको बहुत सारे मैप्स मिलते हैं, बैटल रॉयल मैप्स मिलते हैं, एंड अलग अलग मोड टाइप के मैप आपको इसमें मिल जाते हैं। 18 जून 2020 को रिलीज किया गया है, डेवलपर एंड पब्लिशर है वो नेट ईस्ट गेम है। सो वेल गाइस इस गेम के बारे में थोड़ा और मैं आपको डिस्क्राइब कर देना चाहता हूँ। इस गेम का जो ग्राफिक्स क्वालिटी है दोस्तों, उसका क्या कहना, मतलब बेसिकली ये मेरा सीरीज का सबसे फेवरेट गेम है दोस्तों, साइबर हंटर। सो वेल गाइस अगर किसी जिस किसी को भी मेरे साथ साइबर हंटर खेलना है तो प्लीज़ अपना आईडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देना, तो हम साथ पक्का खेलेंगे इस गेम में। टोटल आपको 100 प्लेयर देखने को मिलते हैं इस गेम में। एंड दोस्तों इस गेम का जो ग्राफिक क्वालिटी, यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं सर ग्राफिक क्वालिटी, यहाँ पर अलग अलग टाइप के आपको यहाँ पर व्हीकल्स मिल जाते हैं। एंड इसमें तो मेरे को सबसे अच्छा व्हीकल लगता है ये जो देख सकते हैं फोर व्हीलर वाला। इसमें आपको आगे एक कुछ मशीन टाइप का निकलता है जिससे कि आप पेड़ वेड़ को भी ठोक ठाक कर सकते हो। एंड इसमें आपको बोट्स मिल जाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट पूरा बैटल रॉयल का यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। एंड दोस्तों गेम की मैप के बारे में बात करो दोस्तों, गेम का मैप बहुत ही बड़ा है, मतलब ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो बहुत ही बड़ा मैप है। सो वेल गाइस इस गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो भी कुछ ज़्यादा नहीं है, मतलब आप लो एंड पीसी में गेम आराम से चल जाएगा बिना किसी एरर के। रैम की बात करो तो मिनिमम 2GB होना चाहिए, ग्राफिक कार्ड्स की बात करो तो मिनिमम 512 MB नीड है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करो तो इंटेल कोर i3 का प्रोसेसर आपके पीसी या लैपटॉप पे होना चाहिए इस गेम को खेलने के लिए। और स्पेस की बात करो तो मिनिमम दोस्तों 4GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए इस गेम को खेलने के लिए। और एक बात दोस्तों, ये गेम टोटली फ्री है, आपको एक फूटी खौड़ी नहीं देना है इस गेम को खेलने के लिए। अगर आप एक साथ डाउनलोड नहीं कर सकते हैं पूरा फाइल को, तो मेरे वेबसाइट पे कूद फांद के जाओ, वहाँ पर आपको पार्ट्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। सो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे 8th नंबर गेम के ऊपर। हमारा जो 8th नंबर वाला गेम है उसका नाम है सीडी, एंड सीडी का मतलब है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। गेम का क्या कहना, अगर आपने फोर्टनाइट नहीं खेला अपने लो एंड पीसी पे, तो इस गेम को आप छोटा फोर्टनाइट बोल सकते हो, क्योंकि ये ऑलमोस्ट पूरा बोल सकते हो कॉपी है फोर्टनाइट का। एंड कॉपी क्या दोस्तों, अपने आप पे एक अलग गेम है, इसमें आपको अलग अलग पावर्स मिलते हैं। एंड आप बोल सकते हो जैसे कि हम फोर्टनाइट में करते थे, गेम के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर देना चाहता हूँ दोस्तों। ये गेम को रिलीज किया गया था
3 अगस्त 2018 को। एंड इस गेम को भी डेवलप एंड पब्लिश किया गया नेट ईस्ट गेम के द्वारा। एंड दोस्तों इस गेम के बारे में थोड़ा और डिस्क्राइब कर देना चाहता हूँ। दोस्तों क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन एक ओपन वर्ल्ड बैटल रॉयल गेम है। इसमें भी आपको TDM मिल जाता है, मतलब टीम डेथ मैच मिल जाते हैं, एंड इसमें भी आपको कुछ मैप्स मिल जाते हैं। एंड ये भी आपका फ्री टू प्ले गेम है। टोटल 100 प्लेयर्स आपको यहाँ पर लैंड होते हैं आपके साथ, आपको सबको किल रहना पड़ता है एंड MVP होना पड़ता है। एंड ये गेम आपका एंड्रॉयड, iOS एंड PC के लिए भी उपलब्ध है। एंड ये लो एंड PC वाले लोगों के लिए बहुत ही ऑसम गेम है। अगला एलिमेंट है वो रिवील कर देना चाहता हूँ। रैम की बात करो तो मिनिमम 2 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करो तो मिनिमम 512 MB ग्राफिक कार्ड आपके PC या लैपटॉप पे होना चाहिए। और दोस्तों प्रोसेसर की बात करो तो इंटेल कोर i3 में गेम आराम से चल जाएगा। डुअल कोर में भी ये गेम चलेगा, टेस्टेड है दोस्तों। एंड स्पेस की बात करो तो मिनिमम 4 GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए आपकी PC या लैपटॉप पे। एंड दोस्तों इस गेम का जो मैप है वो भी काफ़ी बड़ा है, मतलब ऑलमोस्ट आपको मज़ा आ जाएगा इस गेम को खेल के। एंड ये भी गेम आपका टोटली फ्री है। इस गेम को भी अगर आपको डाउनलोड करना है पार्ट्स में तो मेरे वेबसाइट पे कूद फांद के जाओ एंड वहाँ से आप अपने गेम को डाउनलोड कर सकते हो। तो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे 9th गेम के ऊपर। 9th नंबर वाला गेम है, उसका नाम है वॉरफेस। एंड दोस्तों वॉरफेस स्क्राइब कर देना चाहता हूँ। दोस्तों वॉरफेस रिलीज हुआ था 12 अप्रैल 2010 को। एंड इस गेम को डेवलप एंड पब्लिश किया गया है माई गेम्स के द्वारा। दोस्तों वॉरफेस एक आपका फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम है, जिसको कि अब तक बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल डाउनलोड कर चुके हैं। PvP मोड्स मिल जाते हैं एंड यहाँ पर PEV मोड्स मिशन टाइप के मिल जाते हैं। PvP मतलब दोस्तों यहाँ पर आपको TDM टाइप का एक मैप मिलता है, दूसरा है PvE एक मिशन टाइप का मैप मिलता है। मतलब यहाँ पर आप ऑनलाइन मिशंस एक टाइप का स्टोरी मोड टाइप का यहाँ पर आपको मिल जाता है, बट वो ऑनलाइन रहेगा दोस्तों। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं स्टोरी मोड खेल रहा हूँ एंड यहाँ पर ये रहा दोस्तों, ये जो आप गेम प्ले देख रहे हैं ये है बेसिकली TDM वाला, जो इसमें आपको दो मैप मिलते हैं। इनका मेरे को सबसे अच्छा बात यही लगा। एंड दोस्तों इस गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा ज़्यादा है, मतलब इसे आप 2 GB रैम पे नहीं खेल सकते, बट हाँ 3 GB रैम में आराम से इस गेम को आप खेल सकते हो। यहाँ पर आपका जो इस गेम का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो मैं यहाँ पर आपको रिवील कर देना चाहता हूँ। दोस्तों आपके पास रैम मिनिमम 3 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करो मिनिमम 512 MB है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करो तो यहाँ पर आपके पास कोर i3 का प्रोसेसर होना चाहिए इस गेम को खेलने के लिए। और एक बात दोस्तों, आपके पास मिनिमम स्पेस 25 GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए इस गेम को रन करने के लिए। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई इसका जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो 4G है, बट दोस्तों हमने इस गेम को 3 GB में चेक किया, ये गेम आराम से लो सेटिंग में आप खेल सकते हो बिना किसी लैग के। तो पहले इस गेम को अगर आपको डाउनलोड करना है तो मेरे वेबसाइट पर कूद फान के जाओ, वहाँ से आप इस गेम को पार्ट्स में ले सकते हो, ठीक है। तो अगर आप डायरेक्ट डाउनलोड करना चाहते हो तो स्टीम में फ्री टू फ्री गेम है, आप आराम से इसे प्ले कर सकते हो। फ्री, ऑलमोस्ट फ्री है, कोई 1 रुपये देने नहीं है इस गेम में आपको। सो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे आखिरी और लास्ट गेम 10th नंबर वाले गेम के ऊपर। तो सो वेल गाइस बढ़ते हैं हमारे आखिरी गेम के ऊपर। तो हमारा जो आखिरी गेम है और जो हमारा 10th नंबर वाला गेम है दोस्तों वो है रूल्स ऑफ सर्वाइवर। एंड दोस्तों रूल्स ऑफ सर्वाइवर एक बहुत ही ऑसम गेम है आपके लो एंड PC के लिए। तो इस गेम के बारे में थोड़ा मैं डिस्क्राइब कर देना चाहता हूँ। दोस्तों रूल्स ऑफ सर्वाइवर एक फ्री टू प्ले गेम है, जिसमें कि आप मल्टीप्लेयर ऑनलाइन बैटल रॉयल गेम खेल सकते हो। एंड इस गेम को जो पब्लिश एंड डेवलप किया गया है नेट ईस्ट के द्वारा। एंड दोस्तों ये गेम रिलीज किया गया था तो 15 नवंबर 2017 को किया गया था। ये गेम ऑलमोस्ट सभी प्लेटफॉर्म के लिए उपलब्ध है, एंड्रॉइड में खेल सकते हो, iOS में खेल सकते हो, इनफैक्ट अपने PC में भी खेल सकते हो। एंड दोस्तों साथ ही साथ इस गेम में आपको टोटल 70 प्लेयर मिलते हैं। एंड यहाँ पर आपको बहुत सारे मैप्स मिल जाते हैं, क्लासिक मोड मिलता है, इसमें भी आप TDM खेल सकते हो। का ग्राफिक क्वालिटी वो बहुत ही ऑसम है, आप इस गेम को खेलोगे तो आप निराश नहीं होगे। ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो ये भी एक PUBG का क्लोन गेम है, PUBG PC का क्लोन गेम आप इसे बोल सकते हो। सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो भी ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है, मतलब ऑलमोस्ट आपके लो एंड PC में ये गेम तो 100% चल जाएगा। रैम की बात करो तो मिनिमम 2 GB होना चाहिए। ग्राफिक कार्ड्स की बात करो दोस्तों 512 MB है। एंड दोस्तों प्रोसेसर की बात करें डुअल कोर में गेम आराम से चल जाएगा। स्पेस की बात करें दोस्तों तो आपके पास मिनिमम 4 GB के आसपास स्पेस खाली होना चाहिए आपके PC या लैपटॉप पे। एंड दोस्तों अगर इस गेम को भी अगर आपको डाउनलोड करना है तो मेरे वेबसाइट पे जाएं, ये भी गेम आपका फ्री है, आप इसे आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। बट जो लोग एक साथ डाउनलोड नहीं कर सकते वो मेरे वेबसाइट से जाके इस गेम को डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वेल गाइस यही कुछ 10 गेम थे आपके लो एंड PC के लिए। बताना कि इन 10 में से आपका फेवरेट गेम कौन सा है एंड आप कौन सा गेम अभी डाउनलोड करने वाले हो एंड प्ले करने वाले हो। तो बस दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही था। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एंड हाँ दोस्तों अपने फ्रेंड्स जरूर शेयर करो जो अभी तक इस टाइप के गेम्स को खेल नहीं पाए। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ एक और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।